अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नावल चौधरी। तो आज एक और व्लॉग जो है ना वो प्लांट्स की जो है ना क्रिएटिविटी पे है। तो मैं आप लोगों से पहले भी इस तरह की वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने केज प्लांट बनाए थे, वो फाइकस के केज प्लांट थे। तो ये एक बड़ी जबरदस्त वैरायटी है, लार्जिस्टोमिया की फ्लावरिंग प्लांट है, जिसके उस दिन भी मैंने रेड कलर के फ्लावर दिखाए थे। ये आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर अभी भी जो है ना ये फ्लावर रेड कलर के लगे हुए हैं। ये लार्जिस्टोमिया है। तो ये जो है ना हमने इसकी ग्रिल बनाई थी जिसे हम केज प्लांट कहते हैं। तो ये इस साइड पे इसके सिंपल पौधे देख लें, जो अभी हमने जो है ना जिनको सिंपली स्पॉट के अंदर, प्रोसीजर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ये जो है ना तकरीबन हमने 12-13 पौधे लगाए हैं, ये बड़े पॉट के अंदर मतलब शिफ्ट किए हैं। और अभी इनको जो है ना इकट्ठा सिंपल में रखा हुआ है। और ये इस साइड पे ये ग्रिल का पौधा एक जो है ना केज प्लांट तैयार कर दिया है। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि आया कि इसकी भी जो ग्रिल हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो इसमें जो है ना कुछ हमें जो है ना थोड़ा सा मतलब मामला खराब हुआ था। इस वृक्ष को बनाते हुए मैं आपको दिखा दूं, ये आप लोग भजन जरा करीब लेके आएगा। यहाँ पे हमने ना मट्टी लगाई, अभी ये ना इसमें लचक कम होती है इसकी लकड़ी के अंदर, इसकी लकड़ी के अंदर लचक कम होती है। तो इसमें जो है ना वो लचक कम होने की वजह से ये 2-3 जगहों से ना यहाँ से मतलब जहां से इसको बेंड डाला वहां से ये टूट गई है। तो अब हमने वो देसी जुगाड़ के लगाया, वहां पे मट्टी लपेट दी, मट्टी के साथ ऊपर से गीली मिट्टी लपेट दिया ताकि जो है ना वो उस टाइम दोबारा रिकवर कर जाए। तो माशाल्लाह से ये 3 पौधे आज बना दिए हैं, तो बड़े खूबसूरत पौधे बन गए हैं। इनका फायदा ये होगा कि जब ये बन जाएंगे ना, इनके ऊपर जब हेड बनेगा और रेड कलर के फ्लावर बनेंगे तो क्या यकीन करे कमाल है, नजारा आ जाएगा। तो ये होती है प्लांट्स के अंदर क्रिएटिविटी। बट ये है कि हर काम, कोई भी क्रिएटिव काम है, उसको करने के लिए जो है ना एफर्ट करनी पड़ती है और थोड़ा जो है ना टाइम लगाना पड़ता है, तो फिर उस चीज की वैल्यू बनती है। और वैल्यू बनती है तो प्राइस बनती है, और प्राइस बनती है तो बंदा जो है ना फिर इंजॉय करता है, पैसे अच्छे कमाए जाते हैं। हर फील्ड के अंदर ही ऐसा है। जब भी देख लें आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, जब भी कोई नई चीज किसी फील्ड में आती है तो उसकी डिमांड होती है, यानी क्रिएटिव चीज या यूनिक चीज आती है। तो ये माशाल्लाह से आज एक्सपेरिमेंट किया था, वो सिंपल पौधे भी दिखा दिए, ये तैयार पौधा भी दिखा दिया। तो इंशाल्लाह जब ये पौधे तैयार होंगे तो तब भी आप लोगों से शेयर करूंगा। अगर कोई दोस्त इस तरह के फैंसी प्लांट्स में इंटरेस्टेड हो तो वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है। इसी के साथ लास्ट में मैं कहूंगा कि टिकटॉक प्रोफाइल में मेरा आप कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद है, मैंने रिटर्न भी लिख दिया। तो लास्ट में ये भी कहूंगा कि भाइयों से गुजारिश है कि काइंडली जो है ना यूट्यूब चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कर दें, टिकटॉक जो है ना प्रोफाइल में उसका भी लिंक मौजूद है। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, खुदा हाफिज़।